आम आदमी पार्टी लगातार आम आदमी की चर्चाएं करती रहती है और दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के नज़दीक हम लोग मौजूद हैं और आम आदमी से हम भी चर्चा करने आए हैं कि दिल्ली का आम आदमी, हालांकि किसकी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किसको सपोर्ट करने जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शाह है जी। आप ये बताइए मुझे, अभी दो पार्टियां जो हैं मुख्यतः दिखाई दे रही हैं, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है, किसका आपको जो है पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? अभी तो बीजेपी का होगा। अच्छा, केजरीवाल के द्वारा लगातार तमाम जो है मोहल्ला क्लिनिक और तमाम बातें कही, तो मोहल्ला सारे केजरीवाल के देंगे यहाँ पे। अच्छा। और कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, और फ्री बिजली, फ्री पानी, वो सब कुछ फ्री है। अच्छा, तो फिर भी केजरीवाल नहीं? नहीं। अच्छा, फिर बीजेपी? बीजेपी चाहिए। क्यों? ऑटो वाले कोई काम धाम नहीं, ऑटो वाले सारे कमीनी मर गया है। अच्छा, बैटरी रिक्शा चल गया है, ओला उबर तो चल गया, हर चीज़ चल गया, क्या करेगा। अच्छा, तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है आपको। देखिए, और भी जो तमाम मतदाता हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप को क्या लगता है दिल्ली के अंतर्गत केजरीवाल है एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की यदि बात करें तो क्या हो तुम नहीं? कौन कौन आपको भारी दिखाई देता है? बीजेपी। बीजेपी? अब देखो, केजरीवाल तो तमाम योजनाएँ चला रहे हैं, लेकिन जो तकलीफ है जो चीज़ है वो बता दे। बताइए क्या दिक्कत? तकलीफ क्या है? मानते कोई चीज़ है तो हर चीज़ चल गया, काम दाम है ही नहीं है जी, और क्या बताएं। हाँ, हमें केजरीवाल चाहिए भाई। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारे लिए बहुत काम करा भाई उसने। जैसे कि हमें लॉकडाउन में जब अकाउंट में सबके 5,000 रुपये डाले थे उसने, केजरीवाल ने। अच्छा, और मोहल्ला क्लिनिक और तमाम मोहल्ला क्लिनिक है, पाइप है कॉलोनी में हमारे, पाइप बिजली का बिल जीरो, आज तक हमारा बिल नहीं आया। आज तक बिल नहीं आया भाई साहब। तो दिल्ली में किसको लाओगे? केजरीवाल, और किसी को नहीं लाएंगे भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल मोहम्मद खान। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। केजरीवाल तमाम फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, बीजेपी क्यों? बीजेपी लुटेरा पार्टी है, इसीलिए बीजेपी को हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली को और लूट के खाए जाए। अच्छा, और लूट के खाए बीजेपी। चल, बिजली फ्री, पानी फ्री, मजदूरी तो है। हाँ, बीजेपी में क्या दिया आज तक बताओ? 15 साल में क्या दिया आज तक? मजदूर को मजदूरी नहीं, टमाटर ले जाओ 1 किलो 70 रुपये के, सब्जी ले जाओ बैनवेट वगैरह सब्जी मिलती नहीं। केजरीवाल ही चाहिए? हाँ, केजरीवाल। हाँ, हमें तो वही मालिक चाहिए। आप क्यों नौकरी करेंगे? 2 रुपये चंडी मिलना है, वो खाएंगे या भूखे मरेंगे? जी जी, बताओ केजरीवाल ने क्या दिया पिछले 10 साल? 15 सालों वो बस फ्री कर दी। हाँ, रेट के लिए बस फ्री हो गई। और सब्जी इसके रेट में क्या थी? आठ टमाटर क्या भाव? जब आप मिर्ची दे मम्मी हो उनसे पूछना सब्जी बेटा किस भाव लाते हो, फिर बता रहा इन्हें क्या करा क्या है। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, और बाकी तो कुछ है नहीं। मंदिर बना, जहाँ मंदिर बना है वहाँ दुकान जाओ। आप जैसे पैसे वाले हैं, गरीब आदमी कोई नहीं है, हम जैसा फुटवाड़ो कोई नहीं वहाँ पे। जी बिल्कुल, बताओ क्या करा है इन्हें? या कोई बता दे मैं नौकरी लगाऊँ? रेलवे के टाइम में इंदिरा थी नौकरी थी, 4th क्लास की, 1 क्लास की, सफाई कर्मचारी की नौकरी थी, बताओ किसी नौकरी है? जी जी, इसके नौकरी है नहीं, सब ठेकेदार, पैसे वाले कमाए जाओ, गरीब साला मर जाओ कमाते कमाते। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम? कॉलोनी। नाम क्या है? रोहित मिश्रा। अच्छा, दिल्ली में वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। अच्छा, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी कौन आएगा? केजरीवाल। अच्छा, ऐसा क्यों? सारे काम ने भी है, जैसे कि बिजली का बिल माफ किया है और पाइपलाइन डाली है। अच्छा अच्छा, आपकी कॉलोनी में पाइपलाइन? हाँ। अच्छा, हालांकि बीजेपी भी लगातार टक्कर दे रही है, तो क्या लगता है बीजेपी नहीं दिल्ली में? वो नहीं आएगी, केजरीवाल। अच्छा, क्यों नाखुश क्यों हैं आप बीजेपी से? महंगाई। अच्छा अच्छा, और केजरीवाल? केजरीवाल तो सारे बिजली का बिल माफ करेगी। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी आती तो मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का? केजरीवाल। केजरीवाल ही चाहिए? आतिशी नहीं चाहिए? अच्छा चल, बीजेपी के सरकार आएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की नहीं? ना, काम नहीं किया कुछ। काम नहीं किया ना? कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए हमने, दवाई नहीं मिलता, बिजली फ्री कर दी हमने। वो बिजली फ्री करते हैं सब, बिजली फ्री है थोड़ा है। अच्छा, जिसका आ रहा है खूब आ रहा है बिजली बिल। खूब आ रहा बिजली बिल। हाँ,
और कहते हैं ये लोग कि हम पाइपलाइन डाल दी हमने सोसाइटीज़ में, हर दिल्ली का आम आदमी हमसे बड़ा खुश है, ऐसा कहते हैं ये लोग। नहीं, अब नहीं खुश है, अब नहीं खुश नहीं। आम आदमी पार्टी का नाम लेके ये लोग आए थे कि हम आम आदमी के लिए आए। नहीं, काम करते तो आते, अब काम इतना नहीं किए, जो अच्छा काम कुछ नहीं किए। अच्छा, जगह जगह रोड टूटा हुआ है, कई काम नहीं हुआ, साफ सुथरा इतना नहीं है। और अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी आ सकता है, बीजेपी का भी कोई वो नहीं है, बीजेपी आ सकता है। हाँ, तमाम अलग अलग राज्यों को देख के आप कह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये कुछ बातचीत हमने दिल्ली अक्षरधाम मेट्रो के अंतर्गत तमाम जो रिक्शा चालक हैं उनसे की। दिल्ली के आम आदमी की आवाज़ सुनने हम भी पहुंचे थे, जहां एक तरफ भाजपा और एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार, कहीं झुग्गी प्रवास हो रहा है तो कहीं चाय पे चर्चा सफाई कर्मियों के साथ हो रही है। हमारी ये बातचीत ऑटो चालकों के साथ थी। आपने देखा कि क्या सोचता है दिल्ली का आम आदमी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा, मेरे सहयोगी मेघा के साथ 10 न्यूज़।